तो सब ने मुर्गी पालन की फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अपन अंडों से मुर्गी पालन किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से टारगेट लगाना है, गोल सेट करना है, किस तरह से करना है, ये डिटेल से बताया है पिछला वीडियो ही। अगर से जो भी भाई नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो दे दूंगा, वो आप ये वीडियो खत्म होने पर वो वीडियो देखिए जरूर। आज की अपनी सेकंड क्लास में क्या रहेगा, फिर चूजों से मुर्गी पालन किस तरह से कर सकते हैं हम, ओरिजिनल देसी मुर्गी पालन किस तरह से, चूजे बेचकर मुर्गी पालन में किस तरह से कमा सकते हैं, किस तरह से कमाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसीलिए आज की क्लास आती है अपनी सेकंड, चूजे बेचकर किस तरह से हम कमा सकते हैं ओरिजिनल देसी मुर्गी पालन। तो 100 मुर्गियों का बता रहा हूँ मेरे भाई, 100 मुर्गियों का। देखिए 100 मुर्गियां, 20 मुर्गे ला लेंगे हम जब फार्म स्टार्ट कर रहे हैं। फार्म स्टार्ट करते समय 100 मुर्गियां ला लेंगे, 20 मुर्गे ला लेंगे, अच्छा खासा फार्म बना लेकर ये ला लेंगे। ला लिए के बाद हमारे पास अंडे निकलते जाएंगे, वो अंडों को क्या करेंगे, एक इंक्यूबेटर भी ले लेंगे हम। ऑनलाइन पे आपको सर्च करिए, मिल जाएगा बहुत सारा, होम डिलीवरी भी देते हैं बहुत सारे भाई, आप देख कर जाकर भी ला ले सकते हो। आप नेट पे मारिए इंक्यूबेटर, एक इंक्यूबेटर कहकर मारिए, आ जाएंगे बहुत सारे। एक अच्छा खासा 600 या 1000 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर ला लेते हैं हम। लाली के बस 100 मुर्गियां ला रहे हो आप, 100 मुर्गियों में अगर से आप डेली 50 अंडा निकाल सकते हो, किस तरह से निकाल सकते हो मैं नेक्स्ट पिछली क्लास में ही बताया हूँ। इसीलिए एक भी एक क्लास सीक्वेंस से देखते जाइए आप, मिस मत हुए जैसा। पहली क्लास देखोगे ना, सेकंड क्लास आपको और भी आसानी से समझ में आएगी। तो हम सेकंड मतलब अभी 100 मुर्गियां तो ला ली है अपन, 100 मुर्गियां ला ली के बाद 50 अंडे निकल रहे हैं अपने पास। 50 अंडों को क्या करेंगे, इंक्यूबेटर ला लिया ना, इंक्यूबेटर में डालेंगे, हर 5 दिन को एक बार इंक्यूबेटर में डालेंगे मेरे भाई। देखिए 5 डेज को डेली 50 अंडा निकल रहा है अपने पास, तो 5 दिन को एक बार इंक्यूबेटर में डालना है। तो 50 अंडा निकलते ही डालोगे आप, तो फिर कल 50 अंडा निकलेगा, परसों 50 अंडा निकलेगा, ऐसा डेली 50-50 डालते गए तो हर निकल 21 डेज बाद चूजे निकलेंगे। जब हर दिन चूजे 50-50 चूजे निकलते रहते हैं, ये वैक्सीनेशन में दिक्कत आएगी मेरे भाई आपको। इसीलिए याद रखिए अच्छे से, हर 5 दिन पे एक बार इंक्यूबेटर में अंडे डालना है, 10 दिन पे नहीं डालना है, क्योंकि इंक्यूबेटर में 5 दिन में डालने से ही ज़्यादा बच्चे निकलते हैं, सेफ रहते हैं। 5 से ज़्यादा हो तो ख़राब हो जाते हैं। मुर्गी को बिठा रहे हो तो आप 10 दिन के अंडे भी बिठा सकते हो, 8-10 दिन के अंदर भी। आप याद रखिए जो जो बता रहा हूँ वो करते जाओगे ना, डेफिनेटली बताऊँगा, कभी लॉस नहीं आएगा आपको, ताकि इतने साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्लस फुल टाइम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और स्टडी नॉलेज के जरिए मैं आपको ये क्लासेस बता रहा हूँ मेरे भाई। ऐसी नॉर्मल कोई भी नहीं बताएगा आकर आपको, इस तरह से पुकार लेते हैं या सिर्फ सोच के वगैरह नहीं बता सकता है इस तरह से, बहुत कम रहते हैं रेयर केसेस, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस है कहकर मैं आपको मेरी मुझे जो स्टार्टिंग में दिक्कत आया है वो दिक्कतें आपको नहीं आने के लिए ये क्लासेस ले रहा हूँ मैं आपको, फ्री क्लासेस, वो भी 1 रुपया भी मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर। मैं लेकर कोर्स आप ज्वाइन बटन के नीचे भी रख सकता था वीडियोस, बट नहीं, फ्री रहेंगे। देखिए 100 मुर्गियाँ ला लिए, 50 अंडे डेली अपने पास निकल रहे हैं, तो अपन ये हर 5 दिन में इंक्यूबेटर में डालेंगे अंडों को। 5 दिन में इंक्यूबेटर में डाल रहे हैं तो 5 दिन के कितने हो गए, 250x हो गए अपने पास, ठीक है। 250x को हम इंक्यूबेटर में डाले, इंक्यूबेटर में डाले के बाद बच्चे निकलेंगे, पूरे बच्चे निकलेंगे 250 के 250, उसमें से मान लो 50 बच्चे अनफर्टाइल भी चले गए, ठीक है, 50 अंडे अनफर्टाइल भी चले गए, 200 ही बच्चे निकले अपने पास। ज़्यादा निकलते हैं, 220 तलक भी निकल सकते हैं सिर्फ 30, 10 अंडे भी अनफर्टाइल हो सकते हैं, ज़्यादा भी निकल सकते हैं, बट अमन स्टार्टिंग में यही मार्क पकड़ना है मेरे भाई। 200 चूजे निकल रहे हैं अपने पास, ठीक है, 200 चूजे निकल रहे हैं, हर 5 दिन में अपने पास 200 चूजे निकलेंगे, तब ये क्या करेंगे, इनको ये 200 चूजों को चूजे बेचना है ना अपन को। बस 100 मुर्गी ला लो, 20 मुर्गे ला लो, ला लेकर एक इंक्यूबेटर ला लो, हर 5 दिन में इंक्यूबेटर में अंडे डालते जाओ, वो चूजे निकलते जाएंगे 21 डेज पे, वो चूजों को हम सेल कर देंगे, सेल आउट करते जाएंगे, ठीक है। कितने में एक चूजा बेचेंगे, 50 रुपये में, 50 अंडे निकल रहे अपने को डेली, तो हम वो चूजे बनाकर एक चूजे का रेट रहेगा 50 रुपये, ठीक है, स्टार्टिंग में इतने अंडे निकल रहे हैं अपने पास, इसीलिए 50 रुपये चूजे का रेट रखे। 200 चूजे 50 रुपये में, एक चूजा 50 रुपये में बेच रहे हो तो कितना आ रहा है अमाउंट, 10K आ रहा है, यानी 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज अपने को हर 5 दिन में अमाउंट आ रहा है, ठीक है। फिर मंथली इनकम कितना होगा अपने को, यहाँ पर देखिए 60K, 60,000 रुपये अपना इनकम हो रहा है मंथली। एक बार शॉर्ट में समझाऊंगा, अच्छे से देखिए,
एक छोटा सा अच्छा सा फार्म बना ले रहे, 100 मुर्गियां ला ले रहे, 20 मुर्गे ला ले रहे, लाली के बाद अंडे निकलते जाएंगे अपने को, कितने अंडे निकलेंगे, 50 अंडे निकल रहे हैं, आप निकाल सक रहे हो, मान लीजिए 50 अंडे निकल रहे हैं, ये 50 अंडों को हर 5 दिन में जमा करेंगे, 5 दिन तक, आज के अंडे, कल के अंडे, परसों के अंडे, इस तरह से एक जगह जमा करेंगे अच्छे से, 5 दिन में एक बार इंक्यूबेटर में डालेंगे, 250 एग्स हो रहे अपने पास, इंक्यूबेटर में डाले हर 5 दिन को एक बार, तो इसमें से 50 अनफर्टाइल चले गए, अनफर्टाइल गए तो भी, उसमें से चूजे नहीं निकले तो भी 200 चूजे निकले अपने पास, 200 चूजों को एक चूजे को 50 रुपये रेट लगाकर बेच रहे हैं, तो 200 चूजों के कितने हो गए, 10,000 रुपये हो गए, 5 दिन, हर 5 दिन में 10,000 रुपये आ रहे हैं अपन को, एक महीने का इनकम कितना हो गया, 60,000 रुपये हो गया, इसमें खर्चा निकालेंगे अभी, कितना खर्चा लगेगा फिर यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आपको अच्छे से याद रखिए, अभी खर्चा निकाल रहे हैं अपन, खर्चा किस तरह से निकालेंगे, देखो ये चूजे जब अपन इंक्यूबेटर रहता है, फार्म 100 मुर्गियों को संभालना है, इंक्यूबेटर मैनेजमेंट करना है, चूजे निकालना है, तो यहाँ पर आपको एक वर्कर की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई, जोड़ी हो या वर्कर हो, उसको आजकल तो 15,000 रुपये 18,000 रुपये हो गया, अपन 15,000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, एक वर्कर को मंथली अपन सैलरी देकर कितने 15,000 रुपये में वर्कर को रखे, याद रखिए यहाँ पे मंथली 60,000 आ रहा है अपन को, डेली 50 अंडे निकल रहे हैं, उसके हिसाब से डेली हर पाँच दिन में 200 चूजे निकाल रहे हैं अपन, तो यहाँ पर वर्कर को हर महीना 15,000 रुपये तनख्वाह है, और फार्म रेंट को ले रहे हैं, अगर से अपने पास फार्म नहीं है तो 15,000 रुपये रेंट को जा रहा है महीना महीना, 10-15 इस तरह से चल रहा है फार्म, अगर से अपन फ्री रेंज एरिया अच्छा लेकर थोड़ा फार्म थोड़ा बड़ा ही अच्छा लिए अपन, तो 15,000 रुपये फार्म को जा रहा है मंथली, तो यहाँ पर कितना हो गया, 30 हो गया, 15,000 रुपये तो वर्कर को चले गए हैं, और फार्म रेंट 15,000 रुपीस हो गया, और उसके बाद फीड कॉस्ट, जो 100 मुर्गियाँ 20 मुर्गे है ना, उनको फीड कॉस्ट कितना होगा, 7,000 रुपये, मक्का मक्का और घीऊ बाजरा इस तरह से मिलाकर विशाले कर दे रहे हैं हम कम फीड कॉस्ट का, तो 7,000 रुपये होगा, अगर से महंगा फीड देंगे तो 10-12 हज़ार तक भी चले जाएगा, यहाँ पर 7,000 का फीड हम खिला रहे हैं ये मान लीजिए, ठीक है, और बाकी का देखिए यहाँ पर सीबी, ये क्या है, करंट बिल, इंक्यूबेटर को हम मुर्गियों को तो रखने के लिए, ओरिजिनल देसी मुर्गियों को करंट की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, बट आप इंक्यूबेटर को तो करंट ज़रूरत रहेगा मेरे भाई, तो इंक्यूबेटर इतने अंडे निकल रहे हैं अपने पास, तो बड़ा ही इंक्यूबेटर चाहिए अपन को, हर 5 दिन में 200 बच्चे निकल रहे हैं यार, हर 5 दिन में 250 अंडे लोड कर रहे हैं अपन, तो देखो इसीलिए अपन को क्या करना है, 1,000 या 1,200 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर लगेगा अपन को, तो वो करंट बिल भी अच्छे से ही खाएगा, मान लो 8,000 रुपये इंक्यूबेटर का करंट का बिल का खर्चा आ रहा है, टोटल खर्चे देखिए यहाँ पर, ये मेन खर्चे रहते हैं मेरे भाई, ये मेन खर्चे कितने आ रहे हैं, 45,000 रुपीस मेन खर्चे आ रहे हैं आपको यहाँ पर, ये आपको पहले इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है मेरे भाई, तो इतना खर्चा आ रहा है अपन को, तो फिर इसमें इनकम कितना आ रहा है अपन को महीने का, 60,000 रुपीस इनकम आ रहा है, 45,000 रुपीस खर्चा लग रहा है, बचा कितना अपने को, मुनाफा कितना बचा, 15,000 रुपये, कितने बर्ड्स में, 120 बर्ड्स में, यानी 100 मुर्गियों में 15,000 रुपये बच रहा है, फिर अपने अपन क्या करेंगे, 400 मुर्गियां करेंगे, ठीक है, 400, तो 400 में कितना हो गया, इसको 4 करिए, कितना हो गया, 60,000 रुपये, ठीक है, 60,000 रुपये आपको महीने का इनकम रहेगा मेरे भाई, ये किधर जाकर, 400 मुर्गियां रखे हम, 70 या 80 मुर्गे रखे, तो अपने कितना आ रहा है इनकम, 60,000 रुपये, पूरा खर्चा पूरा निकाल देकर बता रहा हूँ 400 मुर्गियों में, ठीक है, आप 100 मुर्गियां ही रखकर आपको 60,000 रुपये चाहिए महीने का, बोल तो नहीं होता है मेरे भाई, 100 मुर्गियों में आपको 15,000 रुपये किधर का उधर जाएगा, चूजे बेचोगे आप तो, 400 मुर्गियों में आपको 60,000 रुपये आएगा, वही मान लो आप 800 मुर्गियां रखे हो, 800 मुर्गियों में क्या होगा, ये 60 डबल हो जाएगा, 120 यानी 1,20,000 रुपये इस तरह से, यानी बहुत सारे भाई ऐसे भी करते हैं, एक 20 मुर्गियां रख लिए, 30 मुर्गियां रख लिए, 15,000 होना है, 30,000 होना है, ऐसे नहीं होता है मेरे भाई, बल्कि क्वांटिटी भी थोड़ा बढ़ाना पड़ता है आपको, 100 ये तो याद रखिए, 100 मुर्गियों में आपको चूजे बेचोगे ये प्लानिंग के हिसाब से, तो 15,000 रुपये आएगा, अगर 400 बर्ड्स रख ले रहे हो तो 60,000 रुपये यहाँ पर क्लियर है आपको, ठीक है भाई, अभी यहाँ पर आ जाइए, प्लान वन फेल हुआ है अपना, क्यों फेल हुआ है, ये 50 अंडे नहीं निकल रहे अपन नहीं निकाल पा रहे, तो क्या करना चाहिए फिर, यहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं बहुत सारे भाई, देखो मेरे भाई प्लान वन फेल हुआ है, तो आपको क्या करना है, हमेशा यहाँ पर
30 अंडे निकल रहे हैं, मान लीजिए 30 अंडे निकल रहे हैं, यहाँ पर अंडे 50 अंडे किस तरह से निकाल सकते हो आप, किस तरह से निकालना है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मेरे भाई, बट की कैरेक्टर जानना है आपको, यानी 8 महीने से लेकर 3 साल के अंदर की मुर्गी रहना है, 8 महीने से कम की मुर्गी नहीं रहना है, छोटी मुर्गी नहीं रहना है, और 3 साल से बड़ी वाली ओल्ड वाली मुर्गी नहीं रहना है, यहाँ पर अंडों की तादाद कम निकल सकती है, इसीलिए ये बीच की ही मुर्गी रहना है, और एक मुर्गी को 100 ग्राम से ज़्यादा फीड नहीं खिलाना है, अगर से ज़्यादा फीड खिलाओगे तो चर्बी बढ़ जाएगी, पूरा कम फीड भी मत खिलाइए, 50 ग्राम के अंदर का भी फीड मत खिलाइए, अच्छा सा क्वालिटी का फीड दीजिए, लगभग 80-100 ग्राम के बीच में दीजिए एक बर्ड को, और याद रखिए कि डिसीजेस ना हो आपके फार्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर से डिसीजेस हो आपके बर्ड्स में तो अंडों की कैपेसिटी कम हो जाएगी, ये पूरे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्त, वो मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर अभी 50 अंडे नहीं निकल रहे अपने पास, तो क्या करेंगे, 35 अंडे निकल रहे हैं, ये 35 अंडों से किस तरह से हम बिजनेस कर पाएंगे, देखो मेरे भाई 35 अंडे अपन को डेली निकल रहे हैं, हर 5 दिन में इंक्यूबेटर में डालेंगे, 5 दिन में इंक्यूबेटर में डाल रहे हैं तो कितने अंडे हो रहे हैं, हर डेली 35 अंडा निकली तो 5 दिन में 175x हो गए, यहाँ पर 175x हो गया, तो 175x में से 175x निकलेंगे चूजे, नहीं निकलेंगे ना मेरे भाई, चिक्स कितने निकलेंगे, मान लो 25 अनफर्टाइल भी चले गए हैं तो 150 चिक्स निकले, यहाँ पर मान लेते हैं 150 चिक्स निकलेंगे, यहाँ पर एक चिक को क्या करेंगे 65 रुपीज अमाउंट लगाएंगे, देखो यहाँ पर 50 लगाए थे अपन, यहाँ पर 65 लगा रहे, क्योंकि ये खर्चा इतना है अपन को, तो इनकम भी निकालना है मेरे भाई, यहाँ पर जनरेट करना है इनकम भी, क्योंकि प्योर ओरिजिनल देसी में कम अंडे निकलते हैं मेरे भाई, इसीलिए आपको हिसाब से प्लानिंग के जरिए बिजनेस कर लेना है आपको, ठीक है। 50 अंडे नहीं निकल रहे हैं, 100 मुर्गियों में 35 ही अंडा निकल रहा है, तो किस तरह से बिजनेस कर सकते हो, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसीलिए आप देखिए, क्योंकि बहुत सारे भाई लॉस क्यों झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ये तजुर्बा नहीं रह रहा है उनको, मुझे भी ये पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस सीखने के लिए तजुर्बा लगा है, सीखने के लिए यहाँ तक है, तो इसीलिए याद रखिए आप 35 अंडा निकल रहा है आपके पास 100 मुर्गियों में डेली, तो 5 दिन का 170x हो जाएगा, इसको हम इंक्यूबेटर में डाल रहे हैं हर 5 दिन में, 150 चूजे निकल रहे तो 65 रुपीज एक चूजे का प्राइस लगा रहे, तो कितना आ रहा है 9,750 रुपीज यहाँ पर हर 5 दिन में इनकम आ रहा है, फिर 30 डेज यानी एक महीने का इनकम कितना हो गया, हर 5 दिन को इतना निकल रहा है, तो एक महीने का कितना इनकम आ रहा है, यहाँ पर देखिए 58,500 रुपीज आप 35 अंडे से भी जनरेट कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है, वहाँ पर 58,500 रुपीज 35 अंडा निकली तो भी किस तरह से करना है बिजनेस, ये सिखा रहा हूँ मैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर। और खर्चा कितना है आपको तो पता ही है, खर्चा देखिए यहाँ पर कितना है, 45K खर्चा है, तो ये 45K से ज़्यादा निकालना है आपको इनकम, अगर इससे कम निकालोगे तो फार्म बंद कर लेना पड़ता है मेरे भाई, इसीलिए आपको किस तरह से इनकम जनरेट करना है ये सीख कर रखना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। 45,000 रुपीज़ यार, आप मान लो छः महीने आपको सिर्फ सीखने में ही गया है, तो 6 महीने का कितना नुकसान हो रहा है आपको, 45K तो हर महीना जा रहा है आपका जेब का, इसीलिए अच्छे से याद रखिए पेन पेपर लगकर, एक नोट मेंटेन करिए, अगर से नहीं तो मेरे वीडियो सेव कर भी रख सकते हो आप अपने क्लास के, ये क्लासेस के, ठीक है। यहाँ पर तो आपको 35x से भी किस तरह से इनकम जनरेट करना है ये बता दिया हूँ, मान लेते हैं 35x भी नहीं निकल रहे, 30x ही निकल रहे अपने पास, तो आप क्या करिए 65 की जगह में 70 रुपीज़ 1 करिए, कोई नुकसान नहीं है, जो भाई लेना है, जो भाई फार्मिंग करना है वो लेंगे आराम से, क्योंकि अपन लॉस जाकर तो देंगे तो आपको बिजनेस रोकना पड़ेगा ना मेरे भाई, रोकने से बेहतर है कि आपकी प्लानिंग इस्तेमाल करो, वो इस्तेमाल करके आराम से बिजनेस को डेवलप कर सकते हो मेरे भाई, इस तरह से आप चूजे बेचकर मुर्गी पालन कर सकते हो, इस तरह से मैं प्लान सेट कर रहा हूँ, सेम उसी तरह से भी आप भी एक नोट्स पेन लेकर प्लान सेट कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो की टॉपिक क्या होगी, बर्ड्स, यहाँ पर बर्ड्स का रेट देखिए अगले वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो में बताए तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर अगले वीडियो में क्या रहेगी टॉपिक, हम अभी तक क्या देखें, अंडे बेचकर किस तरह से मुर्गी पालन करना है ये सिखा दिया हूँ, चूजे बेचकर किस तरह से मुर्गी पालन कर सकते हैं, हम गोल किस तरह से सेट कर सकते हैं ये बता दिया हूँ, अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगी अपन मुर्गी बेचकर किस तरह से मुर्गी पालन कर सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड क्लास रहेगी, कल शाम 5 से 6 बजे के बीच में आ जाएगी, कितने बजे आप वीडियो देखना चाह रहे हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, आप कितने बजे मेरा वीडियो देखना चाह रहे हो कहकर,
ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। नए भाई जो भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेकर बाजू में बेल आइकॉन की इस तरह से घंटी रहेगी वो घंटी को दबाकर ऑल जरूर कर लेना मेरे भाई, क्योंकि जब भी आप मेरा वीडियो रखूंगा मैं आप तक आएगा वो वीडियो, इसलिए बेल आइकॉन दबाकर ऑल जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे खुश करने के लिए एक प्यारा सा लाइक और एक अच्छा सा कमेंट बहुत जरूरी है, ताकि उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।